सरायकेला जिले में चोरों का मार्च लूट जारी है। यहां मार्च महीने में चोरों ने आरआईटी और सरायकेला के बाद कांड्रा में बीती रात मुख्य सड़क स्थित सरकारी शराब की दुकान के शटर का ताला तोड़कर 2,14,620 रुपए के विभिन्न ब्रांडों के शराब और नकद की चोरी कर ली। बता दें कि बीते 2 मार्च को आरआईटी के अर्थ अपार्टमेंट में करोड़ों के नकद और जेवरात की चोरी हुई थी। वहीं 9 मार्च की रात गैरेज चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर दुकान में करीब 50 लाख की मोबाइल चोरी की घटना हुई थी। किसी भी घटना का खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। इस बीच बीती रात कांड्रा स्थित सरकारी शराब की दुकान में शराब और नकदी की चोरी कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इधर एक महीने के भीतर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चोरी की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग और कांड्रा थाने की पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 10 बजे हम लोग दुकान बंद करके अपना रूम में चले गए खाना खाने। सुबह दुकान खोलने का टाइम में आए तो देखे कि सेटर कटा हुआ है, ताला काट के और ग्रिल काट के इसमें से सामान जो है निकला। तत्कालीन में थाना को सूचना किया, अपने विभाग के दरोगा जी को सूचना किया हूँ, मैनेजर को सूचना किया। तो लगभग कितने की चोरी हुई है कुछ? अभी ये तो पूरा स्टॉक मिलाने के बाद ही पता चलेगा। कैसे जानकारी हुई है कि चोरी हुआ है? बाहर निकले हम लोग दुकान खोलने के लिए, देख रहे हैं कि सेटर कटा हुआ है। कांड्रा दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। अभी सभी लोगों के सामने दुकान को खोलकर ये स्कंद का मदिरा के स्कंद का मिलान किया जा रहा है। उसके बाद फिर पुनः जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मदिरा का कुछ पेटी चोरी हुई है, उसी का मिलान किया जा रहा है। पैसा के लिए तो कैश चेस्ट है दुकान में, वो सेफ साइड में है, लेकिन वो चोर ने ग्रीन काट कर ही न्यूज़ विंग के लिए सरायकेला से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।